हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो गाइस, आज की एपिसोड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कि क्या अगर हम सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेते हैं अपने वेबसाइट्स पे तो हमारा एडसेंस डिसेबल हो जाएगा, क्या उस पे एड लिमिट आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड यार काफी सारे क्वेश्चन आप सभी ने किया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैं पूरा का पूरा आंसर यार आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में देने वाला हूँ, क्योंकि देखो यार आज के समय में ना अपनी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना यार मतलब की बहुत ही ज्यादा मुश्किल सा हो चुका है। तो हर कोई बिगनर यार ये काम तो करता ही है, लेकिन एड लिमिट और एडसेंस डिसेबल होने का खतरा यार उन सभी के सर के ऊपर मंडरा रहा होता है और इससे वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। काफी सारे यूट्यूबर्स यार मतलब कि तरह तरह की बातें उन सभी को बताते विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे यार मैं आपको कुछ प्रूफ के साथ सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस, अगर अभी चैनल पे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। So guys, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडसेंस आज के समय में क्या आसानी से डिसेबल हो सकता है। तो इसका आंसर है यार बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखो यार अब ना एडसेंस बहुत ही ज्यादा हाईली ऑप्टिमाइज्ड हो चुका है और वो हर एक चीज को समझता है। तो यहाँ पे यार एडसेंस ने 2019 में ही एक मतलब कि फीचर एनरोल कर दिया था एड लिमिट से रिलेटेड। तो देखो अब ना आज के समय में क्या होता है कि एडसेंस डिसेबल होने से पहले आपके वेबसाइट्स पे एड लिमिट लगा दिया जाता है और इस एड लिमिट को लेकर के काफी लोग यार घबरा जाते हैं कि भाई एड लिमिट आ गया अब तो हमारा एडसेंस समझो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको यार उल्टा एप्रिशिएट करना चाहिए एडसेंस को कि उस पर्टिकुलर सिस्टम ने यार आपको एड लिमिट दिया है, मतलब कि आपको बताया कि आप जो गलती कर रहे हो भाई उसको आप सुधार लो, देन डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो एड लिमिट आने से ही आपका एडसेंस डिसेबल नहीं हो जाता। और काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि यार हमारे वेबसाइट पे यार मतलब कि एक से दो बार एड लिमिट आ चुका है तो हमें काफी ज्यादा डर लग रहा है। तो ऐसा डरने की कोई भी जरूरत नहीं। देखो यार मेरे पास भी काफी सारे एडसेंस अकाउंट है और एड लिमिट यार मुझे भी बहुत सारे वेबसाइट्स पे आया है और एक बार नहीं एक वेबसाइट पे मैंने यार चार बार एड लिमिट का फेस किया है, ठीक है। तो एड लिमिट आने से भी यहाँ पे एडसेंस ऐसा नहीं कि मतलब कि बिल्कुल परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा, तो डरने वाली ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि यार सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेने से हमारा एडसेंस डिसेबल हो जाएगा। ये जो चीजें ना गाइस वो पहले हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी यार आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेते हो तो। और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है गूगल ने कि अगर आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेते हो तो आपका एडसेंस भाई डिसेबल हो जाएगा। देखो यार सोशल मीडिया को बनाया ही इसीलिए गया है। देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है ना वो सोशल मीडिया के दम पे ही अभी इंडिया में स्टेबल है या और भी अदर कंट्रीज में अपना खाना खर्चा निकाल रही है। क्योंकि यार देखो कंपनीज को क्या चाहिए, जहां पे जिनके पास ज्यादा यूजर्स है वहां पे वो अपने ब्रांड्स या अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को प्रमोशंस के लिए भेजती है। आप टिकटॉक को देख लो यार, ठीक है, इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म था यार इंडिया में, काफी बड़ा मतलब कि उसका ग्रोथ हो चुका था, लेकिन इंडिया में तो भाई बैन है, लेकिन अदर कंट्रीज में वो चल रहा है और उस पर जो यूजर्स है यार वो मिलियंस में मतलब कि ट्रिलियंस में, ठीक है। तो वहां पे काफी सारे जो ब्रांड्स होते काफी सारे जो कंपनीज होते वो अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे देती है ताकि वो प्रमोशंस के लिए जाए और उनका ज्यादा ज्यादा फेस वैल्यू बने, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह का ज्यादा सेल्स आए। तो यार कोई भी सिस्टम ना ऐसा नहीं चाहेगा कि आप अपने अपने चीजों को यार सोशल मीडिया पे प्रमोट ना करो, ठीक है, 100% आप करो। यहां तक कि मैं तो कहूंगा कि अगर आपने वेबसाइट्स क्रिएट किया और आपका बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं आ रहा अपनी वेबसाइट्स पे तो 101% यार आपने जो पोस्ट है गाइस उसे आप प्रमोट करो, ठीक है, सोशल मीडिया पे शेयर करो। गूगल ने खुद का अपना टूल निकाला हुआ है यार गूगल एड्स, क्यों निकाला हुआ भाई, इसी वजह से तो निकाला है। वहां भी ऑप्शन होता है यार वेबसाइट्स प्रमोशंस का, ठीक है, फेसबुक ने भी ऑप्शन दिया है और जितनी भी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म है यार सोशल मीडिया की उन सभी ने भाई ऑप्शन रख रखा है कि आप एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट्स को अपना चैनल वगैरह हर एक चीज को आप प्रमोट कर सकते हो। तो यहाँ पे गूगल ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि अगर आप भाई सोशल मीडिया वगैरह से ट्रैफिक लेते हो तो भाई हम आपकी बजा देंगे, हम आपके एडसेंस को ब्लॉक कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आज के समय में तो यार आप भूल ही जाओ भाई, आपका एडसेंस काफी रेयर केसेस में डिसेबल हो सकता है और वो केसेस क्या होता है वो मैं किसी और वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप वो सारी गलती करोगे देन डेफिनेटली आपका एडसेंस डिसेबल होगा, तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर आपको कम चाहिए तो आप कमेंट कर देना, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड में वीडियो दे दूंगा और एड लिमिट पे भी मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि उसके ऊपर भी यार काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों को एड लिमिट फेस करना पड़ रहा है और हर किसी को यार एड लिमिट आएगा ही आएगा, ये लिख के ले लो, ठीक है। जब भी आपकी नई वेबसाइट है ना और अगर थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक यार अचानक से आपकी वेबसाइट्स पे आना स्टार्ट हो जाता है तो गूगल यार चेकिंग पर्पस से आपकी वेबसाइट्स पे भाई एड लिमिट लगाएगा ही लगाएगा कि ये जो ट्रैफिक है आखिर आ कहां से रहा है, ठीक है। तो हर
कुछ यार गूगल चेक करता है। देखो यार गूगल हमें पे करता है, कोई ऐसा तो फ्री में हम उसकी सर्विसेज वगैरह को तो यूज नहीं कर रहे। जो भी मतलब कि गूगल क्या करता है यार, पूरा जो असली नोट होता है यार वो हमें पे करता है इंडियन रुपीस में, और उससे हम अपना घर बार वगैरह सब कुछ चलाते हैं। और आजकल तो यार गूगल से लोग मिलियनर बिलियनर भी बन रहे भाई, ठीक है ना। तो गूगल वो हर एक चीज चेक करेगा यार, ऑथेंटिकेट पूरी तरह से वो अच्छे से करता है कि जहाँ पे हमारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह चल रहा है वो सही प्लेटफॉर्म है या नहीं वगैरह। तो इन सब चीजों के लिए यार एड लिमिट का आपको फेस आज के समय में करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और ये बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल सा केस है, ठीक है। अगर आपके वेबसाइट पे एड लिमिट वगैरह आता है ना, तो आपको मतलब कि डरना नहीं है कि भाई एड लिमिट आ गया आप तो हमारा एडसेंस समझो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लोग मतलब कि गलती क्या करते हैं जिस वजह से यार उनकी वेबसाइट पे मतलब कि एड लिमिट आता है, और उन्हें मतलब कि खतरा रहता है कि हमारा एडसेंस उड़ जाएगा। लेकिन ऐसा डरने वाली बात नहीं, आपका एडसेंस उड़ेगा नहीं, एड लिमिट आएगा, ठीक है। तो देखो आप लोग क्या गलती करते हो, जो भी जैसे बिगनर होता है ब्लॉगर, तो क्या है ना कि वो अपनी वेबसाइट्स वगैरह यूट्यूब वगैरह से देख करके सेटअप वगैरह सब कुछ कर लेता है, लेकिन जो मेन रीजन होता है भाई वो तो भाई अर्निंग का जो मेन जरिया है वो तो ट्रैफिक है। जब तक आपकी वेबसाइट्स पे यार ट्रैफिक नहीं आएगा आपको यार एक भी पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये आप लिख के ले लो मेरे से या किसी और से भी आप पूछ लो भाई, ठीक है ना। एडसेंस काम ही इस तरीके से करता है, जितने भी यूजर्स आपकी वेबसाइट्स पे आएगा तो वो सीपीसी बेस्ड पे मॉडल पे काम करता है, ठीक है। तो जितने भी क्लिक्स आएंगे उस हिसाब से, एड्स पे जितने भी क्लिक्स आएंगे उस हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। तो काफी लोग गलती ये करते हैं ना कि स्टार्टिंग में ही जो जैसे फॉर एग्जाम्पल उनकी जो वेबसाइट है यार वो मतलब कि जॉब्स वगैरह से रिलेटेड है, और उन्होंने क्या किया कि मतलब कि काफी सारे वीडियोस देखते हैं वो कि भाई हम अपनी वेबसाइट्स को इधर पोस्ट कर दो, इधर शेयर कर दो, यहाँ पे मिलियंस में यूजर्स है, वहां से आपको गजब की ट्रैफिक आएगी, गजब की अर्निंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो लोग गलती ये करते हैं कि जैसे उनकी जॉब्स की वेबसाइट है तो वो अपने पोस्ट को क्या करते हैं, फनी या मीम्स वाले जो मतलब कि पेजेस होते हैं फेसबुक पे या अदर प्लेटफॉर्म से अदर सोशल मीडियाज पे, वहां पे जाके पोस्ट कर देते हैं, मतलब कि इस सोच में कि वहां पे यार मिलियंस में ट्रैफिक है, कुछ ना कुछ तो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आएगा, और डेफिनेटली आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा या आएगा जब वहां पे यार मिलियंस में ट्रिलियंस में जब यूजर्स है फॉलोअर्स है, तो गाइस कुछ ना कुछ तो ट्रैफिक यार आपकी वेबसाइट्स पे भाई आना ही आना है। लेकिन वो जो ट्रैफिक है ना यार वो बिल्कुल इरेलीवेंट होता है, वो रेलिवेंट ट्रैफिक नहीं होता। मतलब कि आपका निच तो भाई जॉब से रिलेटेड है और आपने शेयर किया है भाई उस पर्टिकुलर पोस्ट को मीम्स या जॉक्स या फिर शेर शायरी वाले पेजेस पे, तो वहां पे जो भी ऑडियंस होगा भाई वो उन्हीं सभी निच से रिलेटेड होगा ना, वो आपके निच से रिलेटेड थोड़ी है। वो अगर आ भी जाता है तो तुरंत ही वो बाउंस बैक कर जाएगा, तो इससे आपका बाउंस रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है यार वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। जो भी बिगिनर वेबसाइट्स बनाता है तो सबसे पहले उनका जो DAPA क्यों नहीं इंक्रीज होता, इसी कारण से वो इधर उधर शेयर कर देते हैं और उनका बाउंस रेट बढ़ता रहता है, जिस वजह से यार गूगल ना उस वेबसाइट्स को ऑथेंटिक समझता नहीं है। तो आपको ये चीज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप देखो सोशल मीडिया पे कुछ भी चीज शेयर कर रहे हो ना, तो अपने निज से रिलेटेड ही पेजेस या ग्रुप्स वगैरह को फाइंड आउट करो और वहां पे ही अपनी वेबसाइट के पोस्ट वगैरह को आप शेयर करो, क्योंकि वहां पे जो यूजर्स होता है यार वो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट से रिलेट कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यार मुझे लैपटॉप वगैरह बाय करना है और आपने मुझे भाई जोक्स या मीम्स की चीजें भेज दी, तो फिर यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आपने मुझे यार जोक्स मीम्स की चीजें भेज दिया, मुझे पूरी तरह से यार डाइवर्ट कर दिया। मेरा तो माइंडसेट था कि मुझे लैपटॉप परचेस करना है तो मैं वहां से बाउंस बैक ही करूंगा ना भाई, कितना भी मजेदार जोक्स वगैरह आपने लिखा है, लेकिन मेरा जो इंटेंशन है वो तो लैपटॉप बाइंग का है, तो मैं सीधा बाउंस बैक करूंगा और मैं दूसरी वेबसाइट वगैरह पे चले जाऊंगा। तो इससे आपकी वेबसाइट का जस्ट बाउंस रेट ही बढ़ेगा, आपको ट्रैफिक तो मिलेगा लेकिन बाउंस रेट बढ़ेगा, और वहां पे 101% आपको एड लिमिट का सामना करना पड़ेगा। और आपने एड लिमिट हटा भी लिया फिर आप यही गलती करोगे, क्योंकि हर कोई यही करता है कि यार एक बार एड लिमिट आ गया अब भाई नहीं आएगा, अब एडसेंस को मालूम चल गया कि हमारा ट्रैफिक कहां से आ रहा है तो अब नहीं आएगा। लेकिन ये गलती आपको नहीं करना, जब जब आप शेयर करोगे तब तक भाई आपको वहां से एड लिमिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गूगल चाहता है ना कि जो भी आपकी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक आए वो बिल्कुल रेलिवेंट हो, वो इंगेजिंग ट्रैफिक हो, ठीक है ना। अगर आपने मतलब कि जैसे टॉप 10 टॉप 5 से रिलेटेड कंटेंट बनाया है तो उसी ग्रुप में आप शेयर करो जहां पे मतलब कि आपको इंटरेस्टेड यूजर्स मिले, जो उस पर्टिकुलर आर्टिकल्स को लेकर के इंटरेस्टेड रहे, वो आप टाइम दे अपना वहां पे पढ़े, थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड करे। तो इस तरह के यूजर्स इस तरह के ग्रुप्स में आपको अपने आर्टिकल्स वगैरह को शेयर करना है जो आपकी वेबसाइट से रेलिवेंट हो। ऐसा नहीं करना कि आपकी वेबसाइट जॉब से रिलेटेड है, आपने मीम्स या फिर मूवीज वगैरह से रिलेटेड मतलब कि ग्रुप्स पेजेस में आपने अपने वेबसाइट्स के पेजेस को शेयर कर दिया, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है जिस वजह से यार उनको मतलब कि अपनी वेबसाइट्स पे एड लिमिट या फिर एडसेंस डिसेबल से रिलेटेड
प्रॉब्लम देखने को मिलता है। हालांकि एडसेंस डिसेबल तो नहीं होगा, लेकिन आपको बार बार एड लिमिट आने का खतरा लगा रहेगा अगर आप इस तरह से काम कर रहे हो सोशल मीडिया पे। लेकिन अगर आप एक इंगेजिंग ट्रैफिक ला रहे हो अपनी वेबसाइट्स पे, मतलब कि आपका जो कंटेंट है उसी से रिलेटेड पेजेस वगैरह पे अगर आप शेयर कर रहे हो, या आपका खुद का पेज है वहां पे आप जस्ट अपने कॉन्टेंट को अपलोड कर रहे हो, तो इससे यार मेरी मानो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। ठीक है, आप वहां से लाइफ टाइम तक ट्रैफिक ले सकते हो, वो भी विदाउट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर आपकी वेबसाइट्स पे एक भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है ना, पूरा का पूरा ट्रैफिक अगर आपके सोशल मीडिया से भी है लेकिन वो इंगेजिंग है, रेलिवेंट ट्रैफिक है, तो कुछ भी नहीं होने वाला आपको। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ भाई, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको यूट्यूब पे, जैसे आप एक सॉरी मैं आपको वेबसाइट ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक वेबसाइट है भाई, देखो जॉब्स नाउ 247, ठीक है। और मैं आपको इसका थोड़ा सा ट्रैफिक आपको एनालाइज करा देता हूँ। तो यहाँ पे इसका ट्रैफिक आप देखो भाई, यहाँ पे देखो 47 के से ऊपर ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है। और पूरा का पूरा ट्रैफिक बाउंस रेट भी देखो कितना कम, ठीक है। और जो पूरा का पूरा ट्रैफिक है वो देखो यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, देखो भाई डायरेक्ट सोशल, ठीक है, सर्च से देखो यहाँ पे ना के बराबर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आ रहा है। और ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स है भाई जो दो दो तीन तीन सात सात आठ आठ सालों से भाई इंडस्ट्री में रन कर रही है विदाउट एनी इशू, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताता हूँ। देखो ये जॉब्स की वेबसाइट है 247, लेकिन ये जो ट्रैफिक है ना वो कहाँ से आ रहा है, यूट्यूब चैनल से आ रहा है। और यूट्यूब चैनल पे जो कॉन्टेंट है इस पर्टिकुलर बंदे का वो भी सेम ही नीच से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, यहाँ से सीधे चले जाते हैं यार। ये देखो ये इसका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ये इसे एक लड़की रन करती है, ठीक है। जॉब नाउ 247, इस पे देखो यार 1 लाख से भी ऊपर मतलब की सब्सक्राइबर बेस है। तो ये क्या करती है ना, जो भी जैसे जॉब से रिलेटेड वीडियोस वगैरह पोस्ट करती है ना अपने यूट्यूब चैनल पे यार, तो नीचे क्या करती है अपनी वेबसाइट्स का लिंक डाल देती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप इसके वीडियोस को ओपन करोगे एंड देन नीचे यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे बिटली मतलब की बिटली से शॉर्ट करके यहाँ पे लिंक डाला हुआ है, ठीक है। और इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो भाई ये इस वेबसाइट पे लैंड हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो ना, बिल्कुल रेलिवेंट मतलब कि टॉपिक्स को अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो अदर प्लेटफॉर्म्स हो, जो भी अदर प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे यार मिलियंस में ट्रिलियंस में फॉलोअर्स है ना, वहां पे अगर आप इस तरह से इंगेजिंग ट्रैफिक लाते हो तो 101% आप यार सर्वाइव कर पाओगे और आपको एड लिमिट कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। किसी चीज का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको मैंने एग्जाम्पल दिखाई दिया, ये पूरा का पूरा जो वेबसाइट है भाई वो डायरेक्ट ट्रैफिक ले रहा है। और इसका ये डायरेक्ट ट्रैफिक क्यों बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये बिटली का यूज कर रहा है, तो जैसे ही आप अपने लिंक को अगर शॉर्ट करोगे ना तो वो डायरेक्ट ट्रैफिक में ही काउंट होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल देते तो वो एज अ सोशल मतलब कि ट्रैफिक काउंट होता, ठीक है। तो जरूरी नहीं है मतलब कि ऐसा भी मैटर नहीं करता कि आपका ट्रैफिक या डायरेक्ट आए या सोशल है, कोई ऐसा मैटर नहीं करता। देखो ट्रैफिक के काफी सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट पे जैसा मर्जी जहां मर्जी से ट्रैफिक लाओ, डायरेक्ट लाओ या सोशल से लाओ या रेफरल से लाओ या ईमेल से लाओ, जहां मर्जी से लाओ, लेकिन वो जो ट्रैफिक है भाई वो एंगेजिंग होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपके मतलब कि कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए, तभी भाई आप सर्वाइव कर पाओगे सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर आपने यार किसी इरेलीवेंट प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट्स के लिंक्स वगैरह को शेयर कर दिया है तो भाई ये जो सारी प्रॉब्लम्स है यार आपको झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करोगे ना, मेरी मानो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखो यार इन सभी चीजों पर मैंने काफी ज्यादा सर्चेस वगैरह किया था, तो यहाँ पे मुझे एक मतलब कि फॉरम मैंने मतलब कि एडसेंस की कम्युनिटी मैंने एक चेकआउट किया था, तो यहाँ पे भी एक बंदे ने यार मतलब कि क्वेश्चन किया था कि हमारे भी वेबसाइट्स पे काफी ज्यादा एड लिमिट वगैरह आ रहा है, तो ऐसा क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे यार गूगल का कोई एक्सपर्ट बोट आप समझ सकते हो, ठीक है, जिन्होंने अपना आंसर दिया था। तो इन्होंने भी यहाँ पे कहा था, देखो अगर आपका जो ट्रैफिक है ना, अगर वो यूट्यूब से या फिर गूगल से या गूगल से रिलेटेड अदर मतलब कि प्रोडक्ट्स वगैरह से आता है, जैसे गूगल्स के काफी सारे प्रोडक्ट है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, आप जीमेल से, प्ले स्टोर से, जहां से भी गाइस आप ट्रैफिक लेते हो ना अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट से, तो मतलब कि ये सब प्रॉब्लम यार बहुत ही रियल केसेस में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गूगल से ही प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो गूगल अपने प्लेटफॉर्म से जितने भी आने वाले ट्रैफिक को ना वो लेजिट ही समझता है। लेकिन अगर आप अदर हैंड जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया या और भी अदर प्लेटफॉर्म्स हो गया, तो वहां से ट्रैफिक लेते हो तो वहां पे आपको ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एडसेंस मतलब ये एडसेंस में एड लिमिट लग जाना या फिर एडसेंस का डिसेबल तो यार ना के बराबर ही होता, लेकिन एड लिमिट का ये जो प्रॉब्लम है भाई इस तरह की प्लेटफॉर्म्स में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ यार मतलब कि जो एक्सपर्ट है यार गूगल का, उन्होंने यहाँ पे बताया जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन इन्होंने देखो एक चीज और यहाँ पे बोल दिया, वो है गाइज देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अगर आपकी वेबसाइट पे व्हेन योर ट्रैफिक इज इनवैलिड,
मतलब कि जब आपका ट्रैफिक जैसे इनवैलिड होगा इन सभी प्लेटफॉर्म से, मतलब कि इस बंदे ने बोला तो है कि इस इन सभी प्लेटफॉर्म से अगर आप ट्रैफिक लेते हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम हो किस केस में आ सकती है, वो इस केस में जब आपकी वेबसाइट पे इन प्लेटफॉर्म से भाई इनवैलिड ट्रैफिक आएगा। इनवैलिड ट्रैफिक का क्या मतलब होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया, अगर आपकी जॉब की वेबसाइट है और आपने जोक्स वाले या मीम्स वाले पेजेस में जाके शेयर कर दिया ज्यादा ट्रैफिक के चक्कर में, तो भाई आपको प्रॉब्लम आएगी इस तरह का। और इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप ये चीजें बार बार करोगे तो बार बार आपको आती रहेगी। लेकिन जो ये तरीका गाइस यूट्यूब पे आप अपनी वीडियोस वगैरह डाल करके अगर आप बिल्कुल रेलिवेंट ट्रैफिक अपनी वेबसाइट से भेजते हो, तो यार कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, काफी सारे चैनल्स हैं जो इस तरह से कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक ले रहे हैं, एक ही नहीं काफी सारे जॉब से रिलेटेड वेबसाइट्स वगैरह हैं। तो अगर आपका जॉब से रिलेटेड नीच वगैरह है तो आप इस मतलब कि मेथड पे काम करके काफी अच्छा खासा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट्स पे ले सकते हो, और ये बिल्कुल लेजिट ट्रैफिक आएगा, रेलिवेंट ट्रैफिक आएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके एडसेंस अकाउंट में नहीं आने वाला। ठीक है, तो जो लोग सोचते हैं कि यार सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेने से हमारा एडसेंस डिसेबल वगैरह हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आज के समय में ना यार हर कोई यार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि यार ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना यार मतलब कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल सा हो चुका है, क्योंकि कंपटीशन यार बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। और आज के समय में ज्यादातर तो जो मतलब कि वेबसाइट्स है ना यार रैंक होती है, वो भाई न्यूज की वेबसाइट है, और न्यूज की वेबसाइट यार हर एक कीवर्ड्स पे काम करती है। ठीक है, पागल सी हो चुकी है वो मूवी से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड या डाउनलोडिंग से रिलेटेड हर एक कीवर्ड्स पे आपको न्यूज की वेबसाइट ही मिल जाएगी, जो मतलब कि टॉप पे दिखाई देगी। ठीक है, कोई भी मूवी आप सर्च कर लो भाई, न्यूज की वेबसाइट आपको मिल जाएगा उसका कलेक्शन वगैरह दिखाते हुए। तो मतलब कि ट्रैफिक लाना यार मतलब कि गूगल से ना ऑर्गेनिक तरीके से वेबसाइट्स पे थोड़ा काइंड ऑफ मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं है कि ना मुमकिन है, आपको ट्रैफिक आएगा, लेकिन उसके लिए काफी टाइम पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो इसलिए यार ज्यादातर जो ब्लॉगर्स वगैरह यार वो सोशल मीडिया पे ही डिपेंड हो चुके हैं। तो बस कहने का यही मतलब है यार कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर आप सोशल मीडिया से यार ट्रैफिक वगैरह लेते हो तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं क्या हमें ट्रैफिक सोशल मीडिया से स्टार्टिंग से ही लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर थोड़ा रुकना चाहिए, ऑर्गेनिक का स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कि वेट करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, आप स्टार्टिंग से जैसे आपने वेबसाइट क्रिएट किया, और अगर आपके वेबसाइट मतलब कि आपके मतलब कि अदर प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर यूजर्स वगैरह हैं, फॉलोअर्स वगैरह हैं, तो वहां पे आप अपना कॉन्टेंट वगैरह को शेयर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को ही मिलेगा। और ये मैं यार अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ भाई, मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट पे काम किया है। ठीक है, तो हर एक चीज को भाई मैंने मतलब कि बिल्कुल अपने आंखों के सामने यार झेला है, देखा है, उसे सॉल्व भी किया हुआ। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो बाकी यूट्यूबर्स वगैरह के झांसे में मत आओ यार कि वो बताता कि यहाँ मत शेयर करो, वहां मत शेयर करो। भाई अगर आप शेयर नहीं करोगे तो घंटा कुछ भी नहीं मिलेगा फिर आपको। ठीक है, आप ऐसे ऑर्गेनिक के वेट करते रहोगे, क्योंकि यार देखो हर कोई जो भी ब्लॉगर आता है बिगनर होता है, और उस लेवल का पोस्ट वगैरह वो नहीं लिख पाता है जिससे वो मतलब कि ऑर्गेनिकली ट्रैफिक ले सके अपनी वेबसाइट्स पे। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना। ठीक है, और सोशल मीडिया का एक और फायदा है, अगर आपकी वेबसाइट्स पे जबरदस्त ट्रैफिक आता रहता है सोशल मीडिया से, तो गूगल को लगता है भाई इस वेबसाइट में तो कुछ तो दम है, देन ऑटोमेटिकली आपकी जो पोस्ट है भाई वो गूगल में ऑर्गेनिक तरीके से रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर यार आपकी वेबसाइट्स पे ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, और काफी सारी वेबसाइट्स पे ऐसा होता है, और काफी सारी वेबसाइट्स की रियलिटी यही है। ठीक है, पहले वो क्या करते हैं सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेते हैं और ऑटोमेटिकली उनकी पोस्ट रैंक हो जाती है, फिर भाई धड़ाधड़ ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑटोमेटिकली आने लगता है, तो फिर उससे तो गूगल को और भी अच्छा लगता है, और कोई भी प्रॉब्लम उनके एडसेंस अकाउंट वगैरह में नहीं आता है। ठीक है, तो इन सब चीजों से यार आपको डरना नहीं है, और अगर आप इस फील्ड में आ गए हो तो थोड़ा बहुत यार मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा, जो एड लिमिट वगैरह ये सब छोटी सी चीजें है। ठीक है, यहाँ से लोग यार मिलियंस लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो इन सब छोटी मोटी चीजों को जब तक आप फेस नहीं करोगे तब तक भाई आप आगे नहीं बढ़ोगे। देन आई होप यार आज का ये वीडियो यार आपको पसंद आया, तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।